हेलो एवरीवन आज का सम है फोर टू दावर वन प्लस एक्स प्लस फोर टू दावर वन माइनस एक्स इक्वल टू टेन और यहाँ पर हमें यक्स का वैल्यू फाइन करना है और लेफ्ट एंड साइड को देखें फोर टू द पावर वन प्लस एक्स यानी ए टू दावर यम प्लस एन के फॉर्म में है और ए टू दावर यम प्लस एन इक्वल टू ए टू दावर यम इन टू ए टू दावर यन होता है एक्सपोनेंट के इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में करेंगे तब ये हो जाएगा फोर टू दावर वन यानी फोर इन टू फोर टू दावर यक्स प्लस यहाँ देखिए फोर टू दावर वन माइनस यक्स है यानी ए टू दावर यम माइनस यन के फॉर्म में है और एक्सपोनेंट में ए टू दावर यम माइनस एन इक्वल टू ए टू दी पावर यम बाई ए टू दावर यन होता है एक्सपोनेंट के इसी प्रॉपर्टीज का यूज जब यहाँ पर करेंगे तब लेट कर लेते हैं लेट पावर जब फोर टू को वाई लेट करेंगे पावर टू वन बाय वाई और फोर टू दावर टू पावर एक्स का वैल्यू अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तब इक्वेशन हो जाएगा और फोर वाई प्लस फोर बाई वाई इक्वल टू टेन और यहाँ देखिए एल सी एम वाई हो गया फोर वाई इंटू वाई फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू टेन और फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू y को हम राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं इसलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा टेन इंटू वाई टेन वाई और फोर वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो टेन वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाकर इसको अरेंज कर दिए हैं प्रत्येक में देखें टू कॉमन है इसलिए इसको लिख सकते हैं और टू टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम टू से डिवाइड कर देते हैं तब ये हो जाएगा टू इन टू टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टू बाय टू इक्वल टू जीरो बाय टू लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टू एंड टू कैंसिल हो गया और बचा और टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो और टू वाई स्क्वायर प्लस टू यहाँ पर देखिये माइनस फाइव बाई है और ये क्वाडिटीशन के फॉर्म में है इसलिए इसे मेथड से हम सोल्व करते हैं टू टू जा फोर फोर में अगर हम वन प्लस कर देते हैं तब ये फाइव बन जाएगा इसलिए यहाँ पर फाइव के बदले हम लिखेंगे माइनस फोर प्लस वन इन टू वाई इक्वल टू जीरो और टू वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई फोर वाई माइनस प्लस माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो और यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में देखे टू वाई कॉमन है टू वाई कॉमन ले लिए बच गया वाई माइनस टू एंड लास्ट टू टर्म में देखे माइनस वन कॉमन है और जब माइनस वन को कॉमन लिए तब बचा वाई माइनस प्लस माइनस टू इक्वल टू जीरो और यहाँ पर देखिए वाई माइनस टू वाई माइनस टू यानी टू कॉमन है जब वाई माइनस टू कॉमन लिए तब बच गया टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो माइनस टू इक्वल टू जीरो और टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो वेन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू टू हो गया अब ये चेक करना है कि वाई किसके बदले लेट किया है यहां देखे फोर टू दावर एक्स इक्वल टू वाई है इसलिए हम लिखेंगे और फोर टू पावर एक्स इक्वल टू टू और फोर को हम लिख सकते हैं टू स्क्वेर टू पावर एक्स इक्वल टू टू और टू टू पावर टू एक्स इक्वल टू टू ऐसे इसलिए कारण ए टू दावर यम टू पावर यन इक्वल टू ए टू दावर यम इन टू यन होता है यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है इसलिए यहाँ पर टू इन एक्स टू एक्स हो गया अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड देखिए बेस इक्वल है और जो अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होता है और राइट हैंड साइड में टू के ऊपर अगर पावर कुछ नहीं तो वन है इसलिए हम लिख सकते हैं और टू एक्स इक्वल टू वन देर फोर इक्वल टू वन बाई टू एक्स का एक वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल चुका है अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो और इसको लिख सकते हैं टू वाई इक्वल टू वन माइनस वन को राइट हैंड साइड में लेकर चले गए हैं और वाई इक्वल टू वन बाई टू और वाई इक्वल टू 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 पावर माइनस वन ऐसा इसलिए कारण एक्सपोनेंट में वन बाई ए इक्वल टू ए टू पावर माइनस वन होता है और एक्सपोनेंट के इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर राइट हैंड साइड में किए हैं और वाई किसके बदले हम लोगों ने लेट किया है फोर टू दावर यक्स लिखेंगे फोर टू दावर एक्स इक्वल टू 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 पावर माइनस वन और टू टू दावर टू एक्स फोर टू दावर टू टू पावर टू लिख सकते हैं यहां भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड दोनों साइड का बेस सेम है और अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है यानी टू एक्स इक्वल टू माइनस वन देर फोर यक्स इक्वल टू माइनस वन बाय इस तरह से यहाँ पर यक्स का दो सॉल्यूशन मुझे मिला है यक्स इक्वल टू वन बाई टू एंड यक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा तो तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू